हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट के रिगार्डिंग एक अपडेट बता दूं, महत्वपूर्ण सूचना बता दूं कि रिजल्ट कब तक आएंगे। रिजल्ट के लिए एक्सेप्टेड डेट अभी तक कोई फिक्स नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट कब तक रिजल्ट इशू करती है, चलिए सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अब आप लोग का इंतज़ार खत्म होने वाला है अब ये नोटिस देखने के बाद, और आप खुद समझ जाएंगे कि रिजल्ट किस दिन आएंगे, रिजल्ट के लिए कब तक और वेट करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बता दूं फ्रेंड, आप लोग को सबको मालूम होगा कि हम लोग का रिजल्ट जो जेई का रिजल्ट है वो सब कुछ लगभग तैयार है, अंतिम चरणों में है। आप लोग का रिजल्ट कुछ ही दिनों में प्रकाशित किए जाएंगे, लेकिन आखिर कब तक रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे, लेट होने के कारण क्या है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर ये नोटिस आप लोग देखे होंगे, सब लोग लगभग देखे होंगे। आवश्यक सूचना 9/7/2021 को रिलीज किया गया, जो कि मेडिकल डॉक्टर से संबंधित, चिकित्सा पदाधिकारी से संबंधित है। विज्ञापन संख्या 4/17/2021 तक। इस नोटिस में ये लिखा गया है कि आप लोग 13/7/2021 तक ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में काउंसलिंग हो रहा है, यानी कि इन डॉक्टरों की काउंसलिंग हो रहा है 13 तक। तो यहाँ पर 13 तक काउंसलिंग ही हो रहा है, फिर सिर्फ और सिर्फ 14/7 को डिपार्टमेंट में सारे वहाँ के पदाधिकारी वापस आ जाएंगे, और इस दिन सिर्फ एक दिन डेट बीच में बच रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं, जो कैंडिडेट किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं करा सके वो दिनांक 15/7/2021 से 22/7/2021 तक आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर काउंसलिंग करा सकते हैं। यानी कि 15/7 से 22/7 तक सारे पदाधिकारी लगभग फिर से बिजी हो जाएंगे। इस कारणवश सिर्फ और सिर्फ 14/7 को एक दिन के लिए सारे पदाधिकारी लोग छुट्टी में हैं, और एक दिन के लिए सारे चीज़। और कोई भी रिजल्ट आने से पहले एक मीटिंग होता है, मीटिंग लगभग कल संभावित है, जैसे कि जानकारी भी मिला। अगर कल के मीटिंग हो जाते हैं सक्सेसफुल, सारी चीज़ हो जाते हैं, डिपार्टमेंट में मीटिंग संभावित हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो हम लोग के रिजल्ट के रिगार्डिंग सारी बातें कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट कंप्लीट है लगभग इतना समझिए, क्योंकि एक मीटिंग बचा है। मीटिंग होने के बाद रिजल्ट पर साइन होगा, साइन होने के बाद रिजल्ट को पब्लिकेशन कर दिए जाएंगे। तो कल के डेट में अगर सारी चीज़ें अगर हो जाती है तो फिर तो रिजल्ट आप लोग को 22 तारीख से पहले पब्लिकेशन कर दिया जाएगा, इतना सुनिश्चित रहिए, संभावित है सभी तरह से। लेकिन अगर कल के डेट में कुछ नहीं हुआ तो फिर हम लोग को रिजल्ट के लिए 22 से लेकर के 25 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 22 के बाद ही उसमें जो पदाधिकारी हैं जो मीटिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, रिजल्ट पब्लिकेशन करेंगे, वो 22 से 25 के बीच में ही खाली रहेंगे। क्योंकि 22 तक तो सारे लोग काउंसलिंग में ही बिजी रहेंगे, तो फाइनल रिजल्ट पब्लिकेशन कैसे हो सकता है। फाइनल रिजल्ट पब्लिकेशन के लिए कुछ और कुछ टाइम चाहिए, कुछ पदाधिकारी की मीटिंग करना होता है, उस पर सिग्नेचर होता है, फाइनल सबमिट करना होता है, तब जाके उसको पब्लिकेशन किया जाएगा। तो फ्रेंड, कुछ दिन और वेट करिए, हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग को धैर्य रखना होगा, क्योंकि तभी रिजल्ट आ सकता है। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, रिजल्ट सबको एक साथ पब्लिकेशन कर दिया जा रहा है। जेई की वैकेंसी थोड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, 6000 प्लस है, तो टाइम थोड़ा और लगेगा ही। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग वेट करिए। मेरा यही बताना था आप लोगों का सोल्यूशन, जैसे जानकारी के अनुसार आ भी रहा है कि रिजल्ट आप लोग को कंप्लीट है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए खबर को लेकर के, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।